हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज सी प्रोग्रामिंग में हम लोग एक और अलग टाइप के एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें क्या करूंगा, मैं यूजर से एक नंबर को रीड करूंगा और उस नंबर तक मुझे यहाँ पर फाइबोनैची सीरीज को या इस सिक्वेंस को जो है वो प्रिंट करना है। तो बेसिकली फाइबोनैची सिक्वेंस या सीरीज होती क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं ये स्टार्ट करता है जीरो से, ठीक है। जीरो के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वन। अब ये जीरो और वन दोनों को एड करेगा, आगे प्रिंट कर देगा वन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वन प्लस वन, वन प्लस वन हो गया टू। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टू प्लस वन तो थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट। इस टाइप से ये आगे चलता हुआ जाएगा। तो इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं डेवलपर सी प्लस प्लस के साथ। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, डेवलपर सी प्लस प्लस में आ जाएंगे तो बेसिकली मैं एक नई फाइल यहाँ क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ कमेंट में मैं मैसेज लिख देता हूँ कि ये प्रोग्राम किसके लिए है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, मैं हैश इंक्लूड stdio.h include कर दूंगा और उसके बाद जाके लिख दूंगा integer main, ठीक है। main function अपना यहाँ पर start हो चुका है और यहाँ last में जाके लिख दूंगा मैं return zero। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि मैं कह चुका हूँ मुझे करना क्या है, यहाँ पर फाइबोनैची सीरीज को या सिक्वेंस को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो यूजर से एक नंबर लूंगा कि यहाँ तक अपन को चलना है। तो उसके लिए क्या कर दूंगा, कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिएगी। एक का नाम लेता हूँ T1, एक का नाम लेता हूँ T2 और एक का नाम लेता हूँ T3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो T1 और T2 है, अब अपन को पता है T1 कहाँ से शुरू होगा, जीरो से। T2 कहाँ से शुरू होगा, आपका वन से, पहले जीरो फिर वन, उसके बाद आपका इन दोनों का सम आ जाएगा T3 में, ठीक है। तो यहाँ T3 अपन आगे देखेंगे, लूप में डालूंगा, T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो प्लस वन। अब T3 में क्या आ गया, वन, फिर ये लूप में वापस चलेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम है अपन इसको आगे देखेंगे लूप में, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, यूजर से एक नंबर रीड करते हैं आखिर कहां तक अपन को चलना है। तो मैं लिख देता हूं एंटर अ नंबर, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, मैं एक इस टाइप का एक मैसेज डाल देता हूँ और यूजर से जो है वो स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा परसेंटेज डी और यहाँ जाके लिख दूंगा एड्रेस ऑफ नम, नम तक अपन को चलना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाला हूँ, मैं एक मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि ये फाइबोनैची सीक्वेंस को प्रिंट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई अपने पास ये फाइबोनैची सीक्वेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और इसमें जाके लिख दूंगा फाइबोनैची सीक्वेंस, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन लेना, एक काम कर सकते हैं, आप न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मैं यहाँ पर एक लूप चला देता हूँ, तो फॉर आई, ठीक है, आई इक्वल्स टू वन से शुरू करना है और आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम तक जाना है अपन को और आई को करना है प्लस प्लस। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ आकर के आई की वैल्यू को भी साथ में डिक्लेयर कर देता हूँ, ताकि आई की वैल्यू भी अपनी सेट हो जाएगी। आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम, आई प्लस प्लस, यहाँ तक आपको चलना है। और इसमें क्या करना है, हम लोग सबसे पहले प्रिंट कर देते हैं किसको, जो आपके पास में T1 की वैल्यू, मतलब जीरो से प्रिंट करने वाले, ठीक है। मैं लिख दूंगा परसेंटेज डी और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, वैल्यू आ जाएगी T1, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आपको कॉमा करते हुए प्रिंट करवाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे का सिक्वेंस कंटिन्यू मिलता जाएगा। इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर T3 इक्वल्स टू T1, ठीक है, T1 प्लस T2 हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों का सम आपके पास T3 में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे, मैं जाके लिख दूंगा T1 इक्वल्स टू T2, ठीक है, और T2 इक्वल्स टू अपन क्या कर देंगे यहाँ पर T3, जिससे कि क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर वैल्यूज जो है चेंज होती जाएगी। पहले T1 जो है यहाँ पर प्रिंट कर देगा, T1 की वैल्यू क्या है, जीरो, देन उसके बाद में यहाँ T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि इन दोनों का सम यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा आपके पास वन, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुका है आपके पास, जीरो। उसके बाद में जब यहाँ आऊंगा तो T1 के अंदर वैल्यू अपन ने चेंज कर दी, T1 में क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, तो इसमें भी हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद अपन T2 के पास जाएंगे, T2 इक्वल्स हो जाएगा T3, मतलब इन दोनों का सम जितना भी हुआ था, तो कितना हो गया आपके पास यहाँ पर भी 1। अब देखिए जब ये लूप वापस जाएगा ऊपर जाकर T1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो पहले तो हुई थी प्रिंट 0, है ना, अब क्या हो जाएगा 1 प्रिंट कर देगा। फिर यह आएगा T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2, T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2 का मतलब क्या, T1 की वैल्यू तो क्या आपके पास 1 और T2 की वैल्यू भी क्या आपके पास 1, तो फाइनली यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा इस बार 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, T1 इक्वल्स टू T2, तो ये क्या कर देगा, T1 इक्वल्स टू T2, T2 की वैल्यू क्या आपके पास में अभी 1 है,
तो 1 इसके अंदर स्टोर कर देगा और t2 इक्वल्स टू t3 हो जाएगा। t3 की वैल्यू क्या आपके पास 2, तो इसको कर देगा 2, वापस ऊपर जाएगा और यहां कॉमा के बाद क्या प्रिंट करेगा, t1 की वैल्यू कौन सी है 1। ठीक है, इसी तरीके से वापस जब ये लूप चलेगा तो इस बार क्या प्रिंट कर दिया 1 कर दिया, यहां आगे आएगा दोनों का सम t3 में डाल देगा t1 plus t2, तो t1 है 1 और 2 है आपके पास 2, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 3, यहां स्टोर हो गया। यहां आएगा t1 equals to t2 कर देगा तो इसमें आ जाएगा 2 और इसमें जाकर क्या कर देगा ये t3 की वैल्यू t2 में, तो क्या हो गई 3। वापस ऊपर जाएगा t1 की वैल्यू, t1 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा 2 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये नेक्स्ट वापस ऊपर जाएगा, चलता जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 plus 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, इस टाइप से चलता जाएगा और फिर 3 plus 2 5, इस टाइप से 5 plus 3 8, 8 plus 5 आपके पास हो जाएगा 13, और इस टाइप से ये आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इस कोड को एक बार सेव कर लेता हूं और उसके बाद एग्जीक्यूट कर लेता हूं। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम ex19.c रख देता हूं जिससे कि आपका कोड सेव हो जाएगा और उसके बाद आप F11 की को प्रेस करेंगे। यहां पर जो एक छोटा सा इसने एरर दिया है क्योंकि मुझे यहां पर सेमीकोलन लगा देना था और उसके बाद मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखेंगे यहां पर कोई भी एक नंबर डाल दे जैसे 5, तो ये क्या कर देगा 0 plus 1 plus 1 plus 2, 3, इस टाइप से ये आगे जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग यहां पर फिबोनाची सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक था, इस लॉजिक को आप एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए, अपने सिस्टम पे इस कोडिंग को लिखिए जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।